धर्मनगरी चित्रकूट में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का शिलान्यास करेंगे और किसानों को क्रेडिट कार्ड के अलावा कृषि विभाग के 10,000 से ज्यादा लाभार्थियों को प्रमाण पत्र भी सौंपेंगे। पीएम मोदी के आगमन को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। आइए देखते हैं एक खास तैयारियों पर की खास रिपोर्ट। बीते समय में विकास की दौड़ में कहीं पीछे रह गए बुंदेलखंड और पूर्वांचल की उम्मीदों को अब नए उत्तर प्रदेश में पंख लगने वाले हैं। बुंदेलखंड और पूर्वांचल के अधूरे सपने को पूरा करने का बीड़ा उठाया है खुद उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने। बीते एक अरसे से सीएम योगी आदित्यनाथ का फोकस पूर्वांचल पर ही है। शनिवार को सीएम योगी के एक्सप्रेसवे की सौगात बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का चित्रकूट में पीएम मोदी शिलान्यास करेंगे और 10,000 किसानों को क्रेडिट कार्ड के अलावा कृषि विभाग के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र सौंपेंगे। जनपद में भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी का आगमन कल प्रस्तावित है और विशेष रूप से बुंदेलखंड एक्सप्रेस परियोजना का शिलान्यास का कार्यक्रम है और किसानों के लिए एक बहुत बड़ा कार्यक्रम का आयोजन और शुभारंभ भी किया जा रहा है। एक तो किसानों का बहुत बड़ा एक योजना का शुभारंभ माननीय प्रधानमंत्री द्वारा किया जाएगा, साथ ही साथ बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे परियोजना का शिलान्यास भी इसी स्थल से होना है। ये जीरो पॉइंट है, यहीं से बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे प्रारंभ हो रहा है। इस मौके पर पीएम मोदी एक बड़ी जनसभा को भी संबोधित करेंगे जिसमें भारी भीड़ जुटने की संभावना है। पार्टी कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। शनिवार को पीएम मोदी प्रयागराज के बाद चित्रकूट में दोपहर 1 बजे करवी तहसील के भरतकूप गोंडा में उतरेंगे और वहीं से एक कार्यक्रम में बटन दबाकर बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का शिलान्यास करेंगे जिसको लेकर चित्रकूट में सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर दिए गए हैं। कार्यक्रम स्थल एसवीजी सुरक्षा घेरे में है तो वहीं पुलिस के आला अधिकारी पेट्रोलिंग कर सुरक्षा का जायजा भी ले रहे हैं। कार्यक्रम को लेकर धर्मनगरी में खासा खुशी का माहौल है। स्थानीय लोगों में प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर खुशी का माहौल है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का शिलान्यास करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। ऑर्डिनेंस कॉरिडोर की सौगात हम चित्रकूट वासियों को पहले ही दे चुके हैं और यहाँ पर एक बड़ी लॉन्चिंग भी करने जा रहे हैं जिससे पूरे देश को मैसेज जाने वाला है। 100 FPO का यहाँ से जो है लॉन्चिंग करेंगे और किसानों के लिए जो है कि ये बहुत बड़ी उपलब्धि की बात है और किसानों के लिए एक बड़ी योजना दूसरी भी उन्होंने दी है। सभी के जिनको किसान सम्मान निधि मिल रही है सबका क्रेडिट कार्ड बने इसकी भी व्यवस्था की है, ये भी लॉन्चिंग यहाँ से करने वाले हैं और सभी किसान पूरे बुंदेलखंड के 10,000 की संख्या में यहाँ पर। खुशी की बात है कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री चित्रकूट पहली बार आ रहे हैं प्रधानमंत्री बनने के बाद और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का तोहफा दे रहे हैं जिससे चित्रकूट की कनेक्टिविटी देश के सभी शहरों से जुड़ेगी ऐसी अपेक्षा है। किंतु जो सबसे बड़ी बात है यूपी एमपी जो प्रदेश में होने की वजह से चित्रकूट का विकास जो है हमेशा अधूरा रहता है और यात्रियों को हमेशा इसकी परेशानी उठानी पड़ती है। हम यही अपेक्षा करेंगे कि ये समस्या जो है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की बॉर्डर की इसको फ्री जोन घोषित कर दें। 296 किलोमीटर लंबे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, औरैया और इटावा जिलों को लाभ मिलने की उम्मीद है। 15,000 करोड़ की लागत से बनने वाला ये एक्सप्रेसवे बुंदेलखंड क्षेत्र को सड़क मार्ग के जरिए राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से जोड़ेगा। ये एक्सप्रेसवे अभी 4 लेन का होगा, बाद में इसे 6 लेन तक बढ़ाए जाने की योजना है। 95% से ज्यादा भूमि का अधिग्रहण भी हो चुका है। नरेंद्र मोदी का कल चित्रकूट में कार्यक्रम लगा हुआ है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का यहां से शिलान्यास करेंगे। 15,000 करोड़ की लागत से बन रही इस एक्सप्रेसवे की दूरी 296 किलोमीटर है जो यहां के इटावा में मिलाया जाएगा। उसके बाद यहां पर कल 10,000 कृषि विभाग के लाभार्थियों को भी प्रमाण पत्र बांटेंगे पीएम, जिसको लेकर के प्रशासन ने पूरी तैयारियां कर ली है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पीछे मंच तैयार हो रहा है जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे और उसके बाद यहाँ पर लगभग 2 लाख से अधिक लोगों के जुड़ने की उम्मीद जताई जा रही है, जिसको लेकर के भाजपा पार्टी कार्यकर्ता ही नहीं जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। और प्रधानमंत्री को का ये चित्रकूट का पहला दौरा है जिसको लेकर के यहाँ के लोगों में खासा उत्साह भी देखने को मिल रहा है। चित्रकूट से R9 TV के लिए अतुल।